हेलो फ्रेंड्स, मैं सरिता डावरा। आज मैं आप लोगों के लिए देखिए एक ये सिंगल कलर का डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये इस डिज़ाइन की राइट साइड और ये इस डिज़ाइन की रॉन्ग साइड। ये डिज़ाइन आप किसी भी प्रोजेक्ट पे डालिए, लेडीज़ कार्डिगन पे, लेडीज़ जैकेट पे बहुत सुंदर लगेगा और जेंट्स स्वेटर पे भी बहुत अच्छा लगेगा। बनाना भी बहुत आसान है। तो अब मैं इस डिज़ाइन को बनाना बताती हूँ। बनाने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो को मैक्सिमम शेयर, लाइक और कमेंट्स कीजिए। आपके कमेंट्स हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। आई होप आप सब लोगों ने मेरा चैनल अब सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो अब मैं इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने ये फंदे डाल लिए हैं। इसके जो फंदे डलेंगे वो हमारे डलेंगे 12 के मल्टीपल। 12 के मल्टीपल का मतलब 12, फिर से 12, फिर से 12, और तीन फंदे हमें इसमें एक्स्ट्रा चाहिए होंगे। 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 3 फंदे। और ये डिज़ाइन राइट साइड से शुरू होगा। तो अब हम इस डिज़ाइन को शुरू करते हैं। पहली सिलाई बॉर्डर के बाद जो पहली सिलाई आएगी वो इस तरह से आएगी। ये देखिए, पांच फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पांच, धागा पीछे। अब यहाँ देखिए, यहाँ से रिपीट पैटर्न शुरू होगा। एक यहाँ दो फंदों का एक फंदा करेंगे आगे की तरफ से, और इस फंदे के दोनों तरफ जाली डालेंगे। एक जाली, ये फंदा सीधा, फिर से जाली, अब दो फंदों का फिर से एक फंदा और बैक से फिर से सात फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। अब ये देखिए, पांच फंदे उल्टे यहाँ पे मैंने लिए, फिर उसके बाद ये 12 फंदे हैं। पांच फंदे, ये एक फंदा सीधा, दो का एक करा, फिर जाली डाली, फिर जाली डाली, फिर दो का एक करा और सात फंदे उल्टे। तो इसी तरह से हमारे लास्ट में भी पांच फंदे उल्टे आएंगे और 12 फंदों का ये बीच में पैटर्न बनेगा। अब ये देखिए, फिर से दो फंदों का एक फंदा आगे की तरफ से जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, फिर से जाली और दो फंदों का एक फंदा इस तरह से, और लास्ट में हमारे पांच फंदे उल्टे। चार और पांच। अब ये देखिए, लास्ट में भी पांच फंदे उल्टे, शुरू में भी हमारे पांच फंदे उल्टे रहेंगे, बीच में 12-12 फंदों का पैटर्न बनता जाएगा। और रॉन्ग साइड दूसरी सिलाई, ये मैं बताना भूल गई थी, ये 20 सिलाइयों का डिज़ाइन है। 10 सिलाइयों में एक ये डिब्बी बनेगी और 10 में ये रिपीट पैटर्न शुरू होगा। दूसरी सिलाई, अब जो फंदे हमारे यहाँ पे उल्टे थे इधर सीधे हो जाएंगे, जो सीधे थे ये उल्टे हो जाएंगे। तो लास्ट के पांच फंदे उल्टे थे, यहाँ लास्ट के पाँच फंदे सीधे आएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, धागा अपनी तरफ। ये पांच फंदों पे पैटर्न बनाया था तो ये उल्टे, एक, जाली वाला फंदा भी उल्टा, दो, तीन, चार, पाँच, धागा पीछे। अब ये सात फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, धागा अपनी तरफ, पांच फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, और धागा पीछे, पांच फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, पाँच। तीसरी सिलाई राइट साइड
अब यहाँ देखिए, पहले हमने पांच फंदे उल्टे बनाए थे शुरू में, अब चार फंदे बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, धागा पीछे। अब यहाँ पे ये एक उल्टा फंदा और ये सीधा फंदा, इन दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे आगे की तरफ से, और एक फंदा सीधा। अब ये हमारा सेंटर वाला फंदा बन गया। इसके दोनों तरफ हर बार जाली डलेगी। ये देखिए, ये वाला फंदा है, इसके दोनों तरफ हर बार जाली डलेगी। जाली डालेंगे, ये फंदा सीधा, फिर से जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, और अब ये सीधा फंदा और उल्टा फंदा, इन दो फंदों का एक करेंगे इस तरह से। धागा अपनी तरफ। अब एक, दो, तीन, चार, पांच फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब ये दो फंदों का एक फंदा करेंगे आगे की तरफ से, फिर से एक फंदा सीधा, जाली डालेंगे, इस दोनों फंद इसके दोनों तरफ हमें जाली डालनी है, फिर से जाली, एक फंदा सीधा, और इसको इस तरह से करके, और दो फंदों का एक फंदा करेंगे बैक से, और लास्ट में चार फंदे उल्टे। एक, दो, तीन, चार, चौथी सिलाई राइट रॉन्ग साइड। चार फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, धागा अपनी तरफ। अब देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, सात फंदे उल्टे, फिर से पांच फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, धागा अपनी तरफ, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, धागा पीछे, एक, दो, तीन, चार फंदे सीधे। अब हमारी पांचवी सिलाई राइट साइड। अब हम यहाँ पे तीन फंदे उल्टे बनाएंगे। हर सिलाई में ये फंदे हमारे शुरू में कम होते जाएंगे। एक, दो, तीन फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब ये इसका एक उल्टा और ये वाला, इन दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे आगे की तरफ से, और एक, दो, दो फंदे सीधे, इसके दोनों तरफ हमें जाली डालनी है, फिर से जाली। अब एक, दो फंदे सीधे। अब यहाँ से इस फंदे को पलटेंगे और इन दो फंदों का बैक से एक करेंगे, धागा अपनी तरफ। अब एक, दो, तीन फंदे उल्टे। अब फिर से ये उल्टा और सीधा, इन दो फंदों का एक फंदा करेंगे आगे की तरफ से, धागे को आगे लेके जाएंगे, और दो फंदों का एक फंदा आगे की तरफ से, दो फंदे सीधे, एक, दो, इसके दोनों तरफ हमें जाली डालनी है, जाली, फंदा सीधा, फिर से जाली, दो फंदे सीधे, और इन दो फंदों का एक सीधा और ये उल्टा, इन दो फंदों का एक करेंगे बैक से पलट के, धागा अपनी तरफ, और तीन फंदे उल्टे, एक, दो, तीन। छठी सिलाई रॉन्ग साइड। जो फंदा जैसे दिख रहा होता है वैसे ही बनाना है, नहीं तो यहाँ जो हमने उल्टे बनाए हैं इधर सीधे हो जाएंगे, जो उधर सीधे हैं यहाँ उल्टे। तीन फंदे सीधे, एक, दो, तीन, और
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ फंदे उल्टे, धागा आप पीछे, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, धागा अपनी तरफ, नौ फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, धागा पीछे, तीन फंदे सीधे। सातवीं सिलाई राइट साइड। अब दो फंदे उल्टे, एक दो, अब इन दो फंदों का एक फंदा करेंगे इस तरह से, और तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, और सेंटर वाले फंदे की हर बार जाली डलेगी दोनों तरफ से, जाली फिर से जाली, और तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, ओ सॉरी तीन फंदे हो गए थे, यहाँ पे हम इनका पलट के और दो का एक करेंगे। और एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, अब दो फंदों का एक फंदा और तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, फिर से जाली डालेंगे, एक दो तीन, तीन फंदे सीधे, इस फंदे को इस तरह से पलटेंगे और दो का एक करेंगे, और लास्ट के दो फंदे उल्टे। एट्थ सिलाई रॉन्ग साइड। दो फंदे सीधे और एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस और ग्यारह, ग्यारह फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, फिर से ग्यारह फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, और लास्ट में दो फंदे सीधे। नाइन्थ रो राइट साइड। एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, अब यहाँ से फिर से ये उल्टा और ये सीधा फंदा, इन दोनों फंदों का एक फंदा करना है आगे की तरफ से, अब एक दो तीन चार, चार फंदे सीधे, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, फिर से जाली डालेंगे, एक दो तीन चार फंदे सीधे। अब यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे बीच में एक फंदा उल्टा है, अब हम यहाँ पे तीन का एक बनाएंगे, वो किस तरह से बनाना है ये देखिए, ये बीच वाला फंदा हम पहले बीच वाले फंदे को निकाल लेंगे और इस फंदे को यहाँ से पीछे से ले लेंगे और इन दो फंदों का बैक से एक करेंगे और ये वाला फंदा इसके ऊपर से उतार देंगे। तो जैसे हम वी गले की चेन बनाते हैं उसी तरह से बनाना है, और फिर एक दो तीन चार,
और इस सेंटर फंदे के तो दोनों तरफ जाली डलेगी, जाली, फिर से जाली, और एक दो तीन चार, चार फंदे हो गए, यस। और इस फंदे को इस तरह से पलट के दो का एक, और लास्ट फंदा हमारा उल्टा। टेंथ रो, रॉन्ग साइड, पूरी सिलाई उल्टी बनेगी, अब पैटर्न की 11th रो, 11th रो को ध्यान से देखिए, यहाँ पे पैटर्न चेंज होगा, ये वाली जो डिब्बी है इस साइड आ जाएगी, ये देखिए ये वाला पैटर्न जो है यहाँ पे आ गया, तो अब हमें इसको शिफ्ट करना है, तो ध्यान से देखिए, ये मैं पूरी डिब्बी बना के दिखाऊंगी, तो ये पहला फंदा सीधा और एक फंदा और सीधा, तो इसके बाद जाली, तो सेकेंड पैटर्न जब शुरू करेंगे तो हमेशा इन दो फंदों के बाद शुरू में जाली आएगी और लास्ट में दो फंदों से पहले जाली आएगी, पूरी डिब्बी में इसी तरह से चलेगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हर बार दो फंदों के बाद जाली आएगी और ये फंदा पलट के इस तरह से सीधा करा और दो का एक करा और धागा अपनी तरफ। अब ये सात फंदे जो उल्टे थे अब यहाँ पर आ जाएंगे, तो देखिए एक दो तीन, और ये जो सेंटर वाला फंदा ये चौथा फंदा बनेगा, चार पाँच छः सात, धागा पीछे, दो फंदों का एक फंदा करेंगे आगे की तरफ से, और ये जो तीन का एक करा था ये अब हमारा ये वाला जाली वाला फंदा बनेगा, इसके दोनों तरफ जाली और ये इस तरह से पलट के दो का एक करेंगे, और फिर से सात फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, धागा पीछे, लास्ट में चार फंदे बचे हैं हमारे पास, इन दो फंदों का एक फंदा करेंगे आगे की तरफ से और जाली डालेंगे, दो फंदे सीधे। 12th रो, रोंग साइड, अब ये हमारे फंदे इधर सीधे थे यहाँ पे उल्टे आ जाएंगे, चार फंदे उल्टे, एक दो, ये जाली वाला फंदा था, तीन चार, धागा पीछे, और जो उधर सी उल्टे थे यहाँ सीधे आएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात, और धागा अपनी तरफ, और फिर से पांच फंदे उल्टे, एक दो जाली वाला फंदा, तीन फिर से जाली वाला फंदा, चार पाँच, और एक दो तीन चार पाँच छः सात, और धागा अपनी तरफ, और चार फंदे उल्टे, एक दो तीन चार। 13th रो, राइट साइड, एक फंदा सीधा और यहाँ पे फिर से एक फंदा सीधा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए अब यहाँ पे फिर से जाली डलेगी और ये वाला फंदा सीधा बनेगा, और
इन दो फंदों को उल्टा और ये सीधा और ये उल्टा, इन दोनों का एक करेंगे इस तरह से पलट के। इस साइड हमेशा पलट के होगा और इसमें लास्ट में फंदा हमारा दो का सीधा हो जाएगा ऐसे। इस साइड से हमने फर्स्ट था वो जो फंदा था वो पलटा था। अब धागा अपनी तरफ, पांच फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पांच, धागा पीछे और इन दो फंदों का एक फंदा करेंगे आगे की तरफ से और एक फंदा सीधा। ये सेंटर वाला फंदा, इसके दोनों तरफ जाली, एक फंदा सीधा और इस फंदे को इस तरह से पलटेंगे और दो का एक करेंगे। धागा अपनी तरफ, एक दो तीन चार पांच, पांच फंदे उल्टे और यहाँ पे अब हमें दो का एक करना है आगे की तरफ से और एक फंदा सीधा और इस तरह से जाली डालेंगे और दो फंदे सीधे। 15th रो रॉन्ग साइड। अब एक दो तीन चार पाँच, पाँच फंदे उल्टे, धागा अपनी तरफ पीछे की तरफ। अब एक दो तीन चार पाँच, पाँच फंदे सीधे। अब पाँच फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात फंदे उल्टे और पाँच फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच, धागा अपनी तरफ पाँच फंदे उल्टे, एक दो जाली वाला फंदा, तीन चार पाँच। अब हमारी 15th रो राइट साइड। ये देखिए, एक फंदा सीधा, फिर से एक फंदा सीधा और जाली डालेंगे और एक फंदा सीधा, फिर से सीधा। अब ये देखिए, दो और तीन पाँच, पाँच फंदे हो गए और इन दो फंदों को, सीधा फंदा और ये उल्टा फंदा, इनका हमें इस तरह से एक करना है, दो का एक बैक से। धागा अपनी तरफ, अब एक दो तीन, तीन फंदे उल्टे, धागा पीछे और दो फंदों का एक करेंगे आगे की तरफ से और एक दो, दो फंदे सीधे, इसमें जाली वाला फंदा डालेंगे, फिर से जाली। अब एक दो फंदे सीधे और इसको इस तरह से पलट के दो का एक करेंगे बैक से, तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, धागा पीछे, दो फंदों का एक फंदा करेंगे, एक उल्टा और ये सीधा आगे की तरफ से। अब एक दो, दो फंदे सीधे और जाली। सेकेंड पैटर्न में हमें ये ध्यान रखना है, ये जो जाली आएगी बस इन दो फंदों से पहले आएगी, हमेशा हमेशा इन दो फंदों से पहले एक जाली आएगी और इधर भी दो फंदों के बाद जाली आएगी। सिक्सटीन्थ रो रॉन्ग साइड। जो फंदा जैसे दिख रहा है वैसे ही बनाएंगे।
17th रो राइट साइड। अब यहाँ देखिए, पहले दो फंदे सीधे, हमेशा दो फंदों के बाद सेकंड पैटर्न में दो फंदों के बाद जाली आएगी और एक, अब ये फंदे बीच सीधे फंदे हमारे बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि हम ये और ये फंदा ले रहे हैं, इन दो फंदों का एक फंद करना है इस तरह से पलट के। एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से दो फंदों का एक फंदा, एक फंदा सीधा, ये तीन फंदे सीधे और यहाँ पे जाली दोनों तरफ, और इस फंदे को पलट के दो का एक करना है हमने, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, दो फंदों का एक फंदा आगे की तरफ से, और एक दो तीन, तीन फंदे सीधे, इन दो फंदों से पहले हमेशा जाली डालनी है हमने। और रॉन्ग साइड, एक दो तीन, अब ये हमारी 18th रो है, जो फंदा जैसे दिख रहा है वैसे बनाना है, एक दो तीन चार पाँच छ सात, सात फंदे उल्टे एक फंदा सीधा, अब बीच में एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह, ग्यारह फंदे उल्टे एक फंदा सीधा, फिर से एक दो तीन चार पाँच छ सात। 19th रो राइट साइड, हमें इसी तरह से दो फंदों के बाद जाली डालनी है, एक जाली डालेंगे, एक दो तीन चार, अब चार फंदे सीधे, अब यहाँ देखिए इन तीन फंदों का एक फंदा करना है जैसे हमने पहले किया था, ये बीच वाला फंदा हम निकाल लेंगे और ये फंदा बैक से ले लेंगे और इन दो फंदों का एक फंदा करेंगे और ये वाला फंदा इसके ऊपर से निकाल देंगे, तीन फंदों का एक फंदा हो गया। अब एक दो तीन चार, और ये सेंटर वाले फंदे के तो दोनों तरफ हमें जाली डालनी है, फिर से जाली और चार फंदे सीधे। अब यहाँ से फिर से ये सेंटर वाला फंदा तीन फंदों का एक फंदा करेंगे, इस तरह से करेंगे, ये निकालेंगे और ये बैक से दो फंदों का पहले एक करेंगे और इस फंदे को इसके ऊपर से निकाल देंगे। अब एक दो तीन चार, और इनके दो फंदों से हमेशा पहले हमें जाली डालनी है। 20th रो, पूरा पूरी सिलाई हमारी ये उल्टी आएगी,
तो ये हमारा पैटर्न पूरा कंप्लीट हो गया। तो ये देखिए इस तरह से एक बड़ा सुंदर सा पैटर्न बन के रेडी हो जाएगा। आई होप आप सब लोगों ने मेरा वीडियो एंड तक देखा होगा, इसके लिए थैंक यू।